प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में हुए व्यवहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि देश और दिल्ली की जनता के लिए बेटे और भाई की तरह काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा है कि उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और वह आतंकवादी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये तानाशाही का कृत्य है, लेकिन केजरीवाल झुकेंगे नहीं। संजय सिंह ने कहा, देश और दिल्ली की जनता के लिए बेटे और भाई की तरह काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश दिया है कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं और मैं आतंकवादी नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। आप उसे जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही मजबूती से वापस आएगा। जेल में सीएम के साथ जो हो रहा है, वह हिटलर शाही और तानाशाही है, लेकिन केजरीवाल झुकेंगे नहीं। मैं अपने ही एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी? आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए? ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो अपनी इंसानियत को बांधने का काम आप कर रहे हैं। केजरीवाल टूटेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल लड़ा है, केजरीवाल लड़ेगा। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जिनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अपने ही देश में अपने ही एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी? 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना, 24 घंटे इस बात में आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए, कैसे उनको और उनके परिवार को अपमानित किया जाए, कैसे उनके पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए और उनका मनोबल तोड़ा जाए? मैं प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं, ये दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। आईआरएस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। सैद्धांतिक मुद्दा आया तो 49 दिन की सरकार से भी इस्तीफा दिया। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल भगवंत मान जी ने बताया कि किस तरह से मुलाकात कराएगी, भावुक हो गए वो। हम सबके लिए ये भावुकता की बात है, ये कष्ट देने की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए ये शर्म की बात है। आप अपने आप में भी अगर कभी एक मिनट सोचते होंगे तो अपनी इंसानियत को मारने का काम आप कर रहे हैं, अपनी इंसानियत को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे ये कभी मत सोचिएगा। तो इसलिए जो कुछ जेल में केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और ये कृत्य हिटलर शाही का कृत्य है, ताना शाही का कृत्य है और केजरीवाल जी को तोड़ने की मंशा है, लेकिन केजरीवाल टूटेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल लड़ा है, केजरीवाल लड़ेगा।